हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं इंसर्ट मेन्यू का यूज़। इंसर्ट मेन्यू में हमने पहले कुछ ऑप्शन का यूज़ कर लिया है। इसके अंदर हमने जैसे टेबल का, पिक्चर्स का, क्लिप आर्ट का, इन सभी फंक्शन का यूज़ कर लिया, हमने चार तक यूज़ कर लिया था। अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे इंसर्ट मेन्यू में। वैसे हमने इंसर्ट मेन्यू का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी यूज़ कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में इसकी वीडियो। हाइपरलिंक बनाने के लिए हमने यहाँ जैसे स्लाइड्स में टेक्स्ट टाइप कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम इस टेक्स्ट तो है इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर ये देखिए हमें यहाँ हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक का मीनिंग क्या है, किसी फाइल को इस लिंक के साथ अटैच करना, इस टेक्स्ट के साथ कोई फाइल कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। ये हमने हाइपरलिंक पर क्लिक कर लिया। इसमें आप कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो ले लेंगे इसके साथ में। तो हमने जैसे यहाँ पावर पॉइंट का कोई फाइल सेव करके वो ले लेते हैं, हमने ये ले ली फाइल। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हमने ओके पर क्लिक कर दिया तो जो हमने ये टेक्स्ट है उसका लिंक बना दिया। तो ये देखिए लिंक बनने में क्या है, इस तरह ब्लू कलर में शो होने लगा। देखिए हमने इसका लिंक बना लिया। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। इस जो हमने टेक्स्ट टाइप करके इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया अलग अलग। तो हमें इसमें ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक किया तो उसके बाद इस प्रकार हमारे पास स्क्रीन ओपन हो गई। तो इसमें यहाँ दो ऑप्शन आ गए हैं, यस और नो का। तो हम इसमें यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ क्या आ गया, हमने जो पहले कोई प्रेजेंटेशन नाम से एक स्लाइड से तैयार कर की थी प्रेजेंटेशन स्लाइड, तो ये देखिए उस स्लाइड के अंदर हमने कंप्यूटर टाइप कर रखा था तो वो वाली हमारी स्लाइड ओपन हो गई है, जो हमने जो टेक्स्ट टाइप किया था उसके साथ अटैच की थी हाइपरलिंक बना के। तो इस प्रकार आप कोई भी हाइपरलिंक बना सकते हैं किसी फाइल का, किसी टेक्स्ट का, जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में सेव की गई हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, हमने हाइपरलिंक का बात कर लिया। अब इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्शन। एक्शन का क्या है, इसके अंदर जो हमने हाइपरलिंक बना रखा है उसी लिंक का दूसरा लिंक बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम एक्शन के लिए, एक्शन तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया फिर ये देखिए इंसर्ट मेन्यू पर एक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए एक्शन आ गया। यहाँ देखिए हाइपरलिंक बनाया था, हाइपरलिंक जो हमारा था वो सी फोल्डर में था। अब हमें कोई इसके साथ अदर फाइल और लेनी है, अटैच करनी है, तो हम यहाँ से कोई अदर फाइल ले सकते हैं। ये हमने अदर फाइल्स ले ली तो आपके जिस सिस्टम में कोई पहले से फाइल सेव है वो फाइल ले लेंगे। जैसे हमने डॉक्यूमेंट में से कोई फाइल ले लेते हैं, और ऑल फाइल्स कर दिया और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये बन गया दूसरा लिंक इसके साथ अटैच एक और फाइल का। फिर ओपन हाइपरलिंक करेंगे और यस करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी ब्लैंक स्लाइड आ गई, क्योंकि उस इसके साथ हमने जो फाइल अटैच की है उस लिंक में हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर रखा था। तो इस प्रकार ये हमारे पास ब्लैंक स्लाइड ओपन हो गई है। उसकी जगह हम किसी और डॉक्यूमेंट की फाइल अटैच करते हैं तो ये इसे वापस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंसर्ट में एक्शन पर क्लिक करेंगे, ये आ गई। फिर इसके अंदर से फिर हम वापस कोई अदर फाइल्स ले लेते हैं। ये हमने अदर फाइल्स ले ली और ओके पर क्लिक कर दी। तो ये देखिए इस प्रकार हमारे पास स्लाइड वन आ गई, एक जो हमने अलग फाइल्स बना रखी है वो आ गई, और एक अब कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से कोई फाइल है वो आ गई। ये टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, स्लाइड वन दे सकते हैं या अपने नाम तरफ से कुछ और दे सकते हैं, और ओके पर क्लिक कर देंगे।
ये बना दिया, फिर इसके साथ दूसरी फाइल का लिंक, फिर ओपन हाइपरलिंक बनाएंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे साइड में हमारे पास इस प्रकार एक फाइल ओपन होके आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज हमने पहले भी किया है होम मेन्यू के अंदर। ये देखिए जो हमने ड्राइंग ऑप्शन का यूज किया था उसके अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स दे रखा था। फिर भी एक बार मैं दोबारा सबको कुछ बता देती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ एक और स्लाइड ले लेंगे। न्यू स्लाइड में हमने यहाँ ब्लैंक स्लाइड ले ली, हमने यहाँ ब्लैंक स्लाइड ले ली। फिर इंसर्ट मेन्यू में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। फिर आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए जो हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो ये आ गया, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर लिया। तो आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना हो तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह फॉन्ट कुछ भी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं आप फॉन्ट में से होम मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। तो अब हम हेडर और फुटर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ हमने ये हाइपरलिंक वाली स्लाइड ले ली वापस, इसमें हम हेडर फुटर का यूज करेंगे। हमने हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर लिया। ये देखिए इस प्रकार हमारे पास हेडर और फुटर क्लिक हो गई। हमने यहाँ हेडर और फुटर को क्लिक कर लिया तो इस प्रकार हमारे पास ये एक स्क्रीन ओपन हो गई है। तो इसमें हम अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। ये देखिए पहले हमें डेट और टाइम देना है, हमें लिंक इसके अंदर हाइपर लिंक वाली स्लाइड है उसमें हेडर फुटर देना है। तो ये दे दिए, जैसे हमने हेडर के लिए इस पर क्लिक कर दिया डेट एंड टाइम। आपको लैंग्वेज चेंज करनी हो तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर स्लाइड नंबर भी, कौन सी स्लाइड नंबर है वो स्लाइड नंबर दे देंगे। हमने जो ये स्लाइड ले रखी है वो स्लाइड नंबर अपने आप हो जाएगी इसके अंदर अटैच। फिर फुटर, फुटर में यहाँ कोई नेम दे देंगे आप। हमने यहाँ देखिए फुटर में कोई नाम टाइप कर दिया, ये हो गया हमारा हेडर के लिए, हेडर एंड फुटर के लिए। फिर यहाँ अप्लाई टू ऑल, अप्लाई कैंसिल किस पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए हम यहाँ अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ नीचे हेडर एंड फुटर शो हो रहा है हमें। ये देखिए इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो हेडर फुटर को यहाँ चेंज कर सकते हैं, इन पर क्लिक करें। और इन्हें आप चेंज करना चाहो एग्जिट एडिट टेक्स्ट है, इसकी जगह कुछ और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हेडर फुटर का यूज हो गया है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या है, जैसे हम यहाँ टेक्स्ट टाइप किया उसी प्रकार कोई टेक्स्ट डिजाइन करने के लिए हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं हम जब भी फाइल बनाते हैं, तो तब इसमें हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें से आपको जो भी डिजाइन है पसंद हो वर्ड आर्ट का तो वो ले सकते हैं आप। तो हमने जैसे ये ले लिया, ये इस प्रकार आ गया ये वर्ड आर्ट के लिए। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। हमने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर लिया तो जो हमने जैसे वर्ड आर्ट लिया है उसमें टेक्स्ट टाइप किया है, तो उसके बाद यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ एक फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए वर्ड आर्ट के डिजाइन दे रखे हैं। आपको यहाँ वर्ड आर्ट का डिजाइन चेंज करना हो तो वर्ड आर्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं आप। कोई भी आपको और डिजाइन लेना हो तो ले सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गया हमारा वर्ड आर्ट का कलर वगैरह। फिर वापस फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें टेक्स्ट में कोई कलर फिल करना हो तो कलर फिल कर सकते हैं आप। तो ये देखिए इस प्रकार। फिर क्या है, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी है, टेक्स्ट की आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ कोई टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना है तो टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं हम। जैसे हम ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इसके अंदर इफेक्ट के लिए। ये देखिए इस प्रकार आ गया, इसमें से हम कोई भी ले लेते हैं एक शेप ट्रांसफॉर्म में। ये देखिए इस प्रकार तिरछे शो हो रहा है हमें जो हमने वर्ड आर्ट का टेक्स्ट टाइप कर रखा है वो।
फिर ये देखिए इसके आगे पीछे फ्रंट ब्रिंग करना तो वो कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए शो हो रहा है या बैक में शो हो रहा हमें। फिर इसी प्रकार इस पर क्लिक करेंगे हम, ये बैक में आ गया वापस, ये फ्रंट में आ गया। क्या फिर डेट एंड टाइम शो करना, डेट एंड टाइम करना, तो ये देखिए हमने जैसे एडर फुटर में जो डेट एंड टाइम दिया था वही चीज़ है, सेम वही हो गया हमारा, ये डेट एंड टाइम हो गया। ये फुटर नहीं दिया हमें तो फुटर हमें अनशो कर देते हैं, ये स्लाइड नंबर वही उसी स्लाइड में हो जाएगा, और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ सिर्फ हमें डेट शो हो जाएगा। फिर क्या है अगला स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर में क्या है कि हमने जैसे जो हमारी स्लाइड्स है जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो इस स्लाइड नंबर का हमें नंबर देना हो तो उसे नंबर चेंज कर सकते हैं इसमें, तो इस इंसर्ट में दे देंगे या ये देखिए स्लाइड नंबर है तो उसी स्लाइड पे शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ स्लाइड नंबर शो हो रहा है साथ में जो हमने अप्लाई किया था, यही हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ स्लाइड नंबर कुछ और दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के इसमें सिंबल, सिंबल क्या है कि हमने जैसे कोई टेक्स्ट टाइप रखा है और उसे हमें साथ में कोई अलग से सिंबल चाहिए जो हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं है तो वो चाहिए हम, तो कैसे करेंगे इस पर क्लिक कर लिया जैसे, फिर इंसर्ट मेन्यू के अंदर सिंबल कर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार हमें यहाँ अलग अलग सिंबल शो हो गए जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है वो अलग से है, तो इनसे हमें इसमें से कोई भी इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया और इसे इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट था उसके बीच में यहाँ हमारा वो टाइप हो गया सिंबल जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे इसके अंदर क्या, हम किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल बनाएंगे कोई, तो वो फाइल हमें यहाँ प्रेजेंटेशन के अंदर भी चाहिए तो हम कैसे करें तैयार, तो हम जैसे यहाँ बिटमैप इमेज पेंट में ले लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए ये ओपन हो गया, देखिए हमने जैसे पेंट ओपन किया था उसमें एक शेप ले ली थी और इसमें कलर फिल कर लिया था तो ये हो गया। अब हम वापस हमारी जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसमें ओपन करेंगे उसे, तो ये देखिए जो हमने वहाँ पेंट में शो किया तैयार किया वही चीज़ हमें यहाँ शो हो रही है, हमने यहाँ पेंट में ड्रॉ की थी वो फाइल हमारी यहाँ प्रेजेंटेशन में ओपन हो गई थी, तो इस फाइल को हमने यहाँ थोड़ा छोटा कर लिया, आप इसे और छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, आपको जहाँ भी प्रेजेंटेशन में लगानी हो तो लगा सकते हैं, आप पेंट में कोई भी फाइल तैयार करके कोई भी पिक्चर तैयार कर लीजिए और फिर आप उसे प्रेजेंटेशन के अंदर शो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।